आज हम 2015 के आईएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर 1 एनालाइज करेंगे और उसको परफॉर्म करेंगे। तो जो रिक्वायरमेंट थी वो लेंस होल्डर था, एक कॉन्वेक्स लेंस और दो पेंस थी और ऑप्टिकल बेंच था। जो फर्स्ट स्टेप था वो था कि आपको एक अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की नोट करनी थी बाय प्रोजेक्टिंग इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अ वॉल और ऑन अ स्क्रीन एंड देन रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ दिस फोकल लेंथ एफ इन सेंटीमीटर्स अप टू 1 decimal प्लेस। सो दीज हाईलाइटेड पॉइंट्स वी आर सपोज टू अंडरलाइन इन द क्वेश्चन पेपर बिकॉज दीज हाईलाइटेड पॉइंट्स विल हैव अ मार्क और 2 marks अलॉटेड ऑलरेडी। तो अगर आपको ये पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स पाने हैं तो क्वेश्चन पेपर में जो रिकॉर्ड करने को कहा गया है वो पूरा अंडरलाइन करते चलो और एग्ज़ाम कॉपी में उनको ध्यान से नोट करो, रिकॉर्ड करो। तो एक रफ फोकल लेंथ किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज को दीवार पर, जैसे हम लोग खेलते थे बचपन में तो सनलाइट को फोकस करते थे, वैसे ही किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज को दीवार पर फोकस करके और दीवार और लेंस के बीच की डिस्टेंस को नोट करके हम फोकल लेंथ, रफ फोकल लेंथ लेंस की निकालेंगे। सेकंड पॉइंट पर पहुंचते हैं। सेकंड पॉइंट में कहा है देखो कि एडजस्ट डिस्टेंस एक्स, एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज टू बी नियरली इक्वल टू 4f+10, यानी दो पिंस के बीच की डिस्टेंस को 4f+10 और उसे एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस डिस्टेंस पर दोनों पिंस को हमने सेट कर दिया। और फिर इस सेट के एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें ये दोनों पिंस को हिलाना नहीं है, सिर्फ लेंस इस डिस्टेंस के बीच में डिस्प्लेस किया जाएगा पैरलैक्स रिमूवल के लिए। सेकंड स्टेप में कह रहे हैं कि मूव द लेंस टुवर्ड्स पिन आई एंड एडजस्ट इट्स पोजीशन अंटिल एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ कोइंसाइड्स विद द इमेज पिन। मतलब आपको इस पिन की इमेज इस पर बनने लगे और पैरलैक्स रिमूव हो जाए, यानी इमेज और ये पिन स्पेस में एक ही जगह पर हो, ऐसी स्टेट मिलने तक इस पिन को इस साइड से इस साइड तक डिस्प्लेस करते रहना है। और जब पैरलैक्स रिमूव हो जाएगा तो हम जानते हैं कि ये इमेज और ये इमेज पिन दोनों फील्ड ऑफ व्यू में एक साथ सिर को लेफ्ट राइट घुमाने पर मिल चलेंगी। तो पैरलैक्स रिमूव कब होगा ये हमें पता है, जब पैरलैक्स रिमूव हो जाए तो इस पिन की पोजीशन, इस पिन की पोजीशन और लेंस की ये फर्स्ट पोजीशन ये रिकॉर्ड कर लेनी है, जो यहाँ पर कहा गया है कि रिकॉर्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पिन लेंस L1, मतलब लेंस की फर्स्ट पोजीशन एंड इमेज अप टू 1 decimal प्लेस। तो हमने अंडरलाइन कर लिया कि हमारे जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें एक कॉलम ऑब्जेक्ट पिन की पोजीशन का होगा, एक कॉलम इमेज पिन की पोजीशन का होगा, एक कॉलम लेंस की फर्स्ट पोजीशन का होगा। नेक्स्ट स्टेप में कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज को फिक्स रखते हुए लेंस को ऑब्जेक्ट पिन की तरफ मूव करो एंड गेट द सेकेंड पोजिशन ऑफ द लेंस फॉर विच इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट पिन इज अगेन फॉर्म्ड ओवर इमेज पिन। यानी एक बार फिर से पैरलैक्स रिमूव हुआ है, ये लेंस की सेकेंड पोजिशन L2 कहलाएगी, तो रिकॉर्ड द न्यू पोजिशन L2। तो हमारे ऑब्जर्वेशन कॉलम में एक ऑब्जेक्ट पिन की पोजीशन का कॉलम होगा, एक इमेज पिन की पोजीशन का, एक लेंस की फर्स्ट पोजीशन का और एक लेंस की सेकंड पोजीशन का। तो एक ऑब्जर्वेशन टेबल का हमारे दिमाग में लेआउट बन गया कि हमें कैसे बनानी है। और उसके बाद यू हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन द 2 positions ऑफ लेंस।
which will be small d. So you have to calculate and record the value of d up to one decimal place. फिर हमने इसको भी अंडरलाइन कर लिया. तो एक कॉलम O का, एक I का, एक L1 का, एक L2 का, और अब एक कॉलम हो गया स्मॉल d का, जिसमें हम L1 और L2 की पोजीशंस के या रीडिंग्स के डिफरेंस को लिखते जाएंगे. फिर रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन फोर मोर सेट्स ऑफ x एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ लेंसेज, टू लेंसेज नहीं. ठीक, तो हर बार हम 10-10 सेंटीमीटर इन दोनों पिन्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, और हर बार हम लेंस की ये दो पोजीशंस नोट करेंगे, जबकि इस पिन की इमेज और ये पिन एक ही जगह पर होंगे, इनके बीच पैरलेक्स रिमूव होगा. हर बार हमको लेंस की दो पोजीशंस ऐसी मिलेंगी जबकि ये पैरलेक्स रिमूव होगा, और हम हर बार L1, L2 और O और I नोट करेंगे, और उसके बाद ये D और ये X इनका भी कॉलम बनाएंगे, और हर बार हम कॉरेस्पॉन्डिंग D और X कैलकुलेट करेंगे. वंस वी कैलकुलेटेड X, देन वी हैव टू फाइंड X स्क्वायर, D, देन वी हैव टू फाइंड D स्क्वायर. तो हमारे पास एक कॉलम हो गया O का, एक I का, एक L1 की पोजीशन मतलब लेंस की फर्स्ट पोजीशन, लेंस की सेकंड पोजीशन, फिर हम O और I, ऑब्जेक्ट और इमेज पिन के बीच की डिस्टेंस x निकालेंगे, L1 L2 के बीच की डिस्टेंस d निकालेंगे, फिर x स्क्वायर और फिर d स्क्वायर. तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉलम्स हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल में बनने हैं, एंड दिस इज द वे हाउ वी फाइंड कि कितने कॉलम्स बनने हैं. ठीक, अब इसके बाद फिर आपको वाई और एक्स के बीच, ये है वाई, वाई कैलकुलेट कर लोगे तो ये एक और कॉलम बन जाएगा आपका. वाई और एक्स के बीच आपको ग्राफ बनाना है और उसका स्लोप निकालना है, और साथ में y आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैलकुलेट करना है. तो ये सब हम अंडरलाइन करते चले जा रहे हैं, और जब आप स्लोप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको फोकल लेंथ लेंस की निकालनी है 25 इंटू स्लोप ऑफ द ग्राफ, और वो भी 1 डेसिमल प्लेस तक. तो अब हमने सारे पॉइंट्स अंडरलाइन कर लिए जो हमको रिकॉर्ड करने हैं एग्जामिनेशन कॉपी में, जिनका मार्क अलॉटेड है, और अब हम कैसे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, और कैसे फुल मार्क्स पाएं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये सीखना है हमें. सो हैव अ लुक ऑफ द स्टेप्स यू हैव टू परफॉर्म. Now let's move to our apparatus. तो बेटा ये है हमारा सेटअप जिसमें दो पिन्स हैं और उनके बीच सिर्फ एक लेंस है, और हम इस लेंस की फोकल लेंथ डिस्प्लेसमेंट मेथड से मेजर करेंगे, और इस लेंस को आगे पीछे शिफ्ट करके डिस्प्लेस करके पैरलेक्स रिमूव करेंगे. इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड कहा जाता है, क्योंकि बाकी एक्सपेरिमेंट्स में हम इमेज पिन को मूव करा के पैरलेक्स रिमूव करते हैं, लेकिन इसमें हम लेंस को मूव कराएंगे. लेकिन उसके पहले
इन दोनों पिन्स को हमें 4F डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, जहां F इस लेंस की फोकल लेंथ है। तो सबसे पहले हम इस लेंस की फोकल लेंथ एक रफ मेथड से, अप्रॉक्सीमेट मेथड से मेज़र करते हैं और फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों पिन्स को 4F डिस्टेंस पे रख देते हैं। उसके बाद इस लेंस को हम इस डिस्टेंस के बीच में डिस्प्लेस करके दो ऐसी पोजीशन पाते हैं जहां एक पिन की इमेज और दूसरे पिन के बीच पैरलेक्स रिमूव होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि रफ या अप्रॉक्सीमेट मेथड, जिसे हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मेथड कहते हैं, वो क्या है। इस मेथड में हम एक स्केल लेते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को इस तरह से किसी स्क्रीन के वॉल के सामने रखकर किसी दूर के सोर्स की इमेज को उस स्क्रीन पे फोकस करते हैं और जिस डिस्टेंस पर ये स्क्रीन पर बहुत क्लियर फोकस हो जाता है। उस डिस्टेंस और स्क्रीन के बीच की, उस स्क्रीन और लेंस के बीच की डिस्टेंस को हम इस लेंस की रफ फोकल लेंथ मानते हैं। आप ऑब्जर्व करो स्क्रीन पे स्पॉट को। जब सबसे क्लियर स्पॉट बनेगा, उस पोजीशन पर हम फोकल लेंथ ले लेते हैं। क्योंकि ये बहुत प्रिसाइस मेथड नहीं है, इसलिए हम इसे रफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब आप स्पॉट को देखो, इस समय स्पॉट ब्राइटेस्ट और डिस्टिंक्ट स्पॉट है, जो पीछे के लाइट सोर्स की इमेज बन रही है। तो ये जो डिस्टेंस है इस लेंस और उस वॉल के बीच में, वो हमारी रफ फोकल लेंथ है लेंस की। तो चलिए अब इस डिस्टेंस को हम देखते हैं कि ये कितनी है। तो ये डिस्टेंस हमारी, जहाँ पे स्पॉट बहुत क्लियर हो जा रहा है, ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर्स है। तो हमारे इस लेंस की रफ फोकल लेंथ 9.5। तो इसकी रफ फोकल लेंथ हमारी हो गई, इसको क्रॉस चेक कर लूं मैं, 9 सेंटीमीटर। तो अब हम सेटअप देखेंगे। हमने इन दोनों पिन्स को 9 × 4, दैट इज 36 प्लस 10, दैट इज 46 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, इनफैक्ट मैंने उससे भी ज़्यादा, मैंने 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दोनों पिन्स को रख दिया। तो दोनों पिन्स को आपको 4F से ज़्यादा डिस्टेंस पर रखना है। तो हमने 4F प्लस 10 डिस्टेंस पे रखा और अब मैं इस साइड से, इस पिन के साइड से इस लेंस को शिफ्ट करके पैरलेक्स रिमूव करूंगी। तो आप ऑब्जर्व करोगे लेंस के मूवमेंट को। हम इस पिन को थोड़ा सा नीचे करेंगे, जिससे पिन और उसकी इमेज टिप टू टिप टच करें और उसके बाद
हम लेंस को आगे पीछे शिफ्ट करेंगे और पिन को हम लेफ्ट राइट शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी पिन इमेज के साथ टिप से टिप मिलाकर या ओवरलैप रहे और हम माइन्यूट से माइन्यूट रिलेटिव मोशन को डिटेक्ट कर सके। आप बहुत फोकस होकर लेंस के मूवमेंट को देखिए, और जैसा मैंने पिछले एक्सपेरिमेंट में भी बताया था, हम जब लेंस को धीरे धीरे डिस्प्लेस करेंगे तो हम अपने सिर को लेफ्ट राइट मूव करते रहेंगे, और जब पैरलेक्स रिमूव हो जाएगा तो हम जानते हैं कि जो सामने पिन है लेंस के उस तरफ जो पिन है उसकी इमेज यहाँ फील्ड ऑफ व्यू में बन रही है। उस इमेज और इस पिन के बीच पैरलेक्स रिमूव होने पर इमेज और पिन दोनों साथ साथ चलेंगे। और ये पैरलेक्स रिमूव हो गया है तो अब मैं आपको पैरलेक्स रिमूवल की सिचुएशन दिखाती हूँ। तो हम देखेंगे कि हमारी पिन और इमेज दोनों साथ साथ फील्ड ऑफ व्यू में चल रही हैं। ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन है जिस पर पैरलेक्स रिमूव हुआ है। इस पोजीशन को हम नोट कर लेंगे। तो चलो रीडिंग ले लेते हैं। ये है हमारी पिन नंबर 1 और इस समय ये 50 सेंटीमीटर पे रखी हुई है। लेंस थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री सेंटीमीटर पर है और ये वाली पिन हमने कैलकुलेशन में आसानी हो इसके लिए 0 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। देखो, तो इस पिन को हम टच नहीं करेंगे, ये पिन 0 सेंटीमीटर पे ही रहेगी। जबकि अब हम रीडिंग लिखने के बाद इस पिन को 10 सेंटीमीटर पीछे कर देंगे और इस नई डिस्टेंस के लिए दोनों पिन्स के बीच की पैरलेक्स रिमूव करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस लेंस की दूसरी पोजीशन इसी डिस्टेंस में नोट करेंगे, और कैसे करेंगे वो सीखने वाली बात है बेटा। आप इस तरफ से इस लेंस को इस डिस्टेंस पे मूव करा के, इतनी दूर मूव करा के पैरलेक्स रिमूव नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम इस बेंच को उल्टा कर देते हैं और फिर इस पिन की तरफ बैठते हैं और इस लेंस को शिफ्ट करके इस तरफ ले आते हैं और फिर लेंस को आगे पीछे करके पैरलेक्स रिमूव करते हैं। ऑब्जर्वेशन में आप देखोगे कि इन दोनों पिन्स के बीच जितनी डिस्टेंस पैरलेक्स रिमूवल के बाद है, अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही डिस्टेंस पर इस साइड में भी लेंस होगा इस पिन से जब पैरलेक्स रिमूव हो जाएगा। तो चलो अब हम इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं। तो अब हम ये रीडिंग्स नोट कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पिन, पोजीशन ऑफ लेंस और पोजीशन ऑफ पिन नंबर 2। एक पिन 0 पर है, दूसरी पिन 50 सेंटीमीटर पे है और हमारा लेंस था 36.3 सेंटीमीटर पर। और अब हम, क्योंकि इतना दूर अप्रोच नहीं कर सकते, तो हम इस बेंच को इस तरीके से टर्न कर लेंगे। Thank you.
और अब हम लेंस को इस पिन की तरफ लेकर आएंगे। और अपने सिर को लेफ्ट राइट मूव करते हुए लेंस को धीरे धीरे डिस्प्लेस करेंगे। यहाँ हम ये ध्यान रखेंगे कि इमेज और इमेज पिन दोनों ओवरलैप करें, जिससे कि हम माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव मोशन को भी डिटेक्ट कर पाए। तो इस तरीके से सिर हिलाते हुए हम लेंस को शिफ्ट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कब दोनों जो इमेज इस फील्ड ऑफ व्यू में दिख रही है और ये पिन, ये दोनों एक साथ फील्ड ऑफ व्यू में चलते हैं। और अब ये पैरलेक्स रिमूव हो गया है, दोनों पिन्स एक साथ चल रही हैं। थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं आगे या पीछे शिफ्ट करके हल्का सा, कि हमारी पिन बेस्ट पोजीशन पर, हमारा लेंस बेस्ट पोजीशन पर है। और अब हम लेंस की एक पोजीशन हमने उधर ली थी उस पिन की तरफ, और अब ये दूसरी पोजीशन इस पिन की तरफ लेने के लिए रेडी है। तो इसकी पोजीशन है 14.1 सेंटीमीटर। लेंस की ये पोजीशन स्केल पर 14.1 सेंटीमीटर है। तो ये एक सेट ऑफ रीडिंग हो गई, जिसमें एक पिन 0 पर है, दूसरी पिन 50 पर है। लेंस की एक पोजीशन है 14.1 सेंटीमीटर, जहां पैरलेक्स रिमूव हुआ, और लेंस की दूसरी पोजीशन 36.3 सेंटीमीटर थी। अब हम इस पिन को 0 पर ही रहने देते हैं, उस पिन को हम 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देंगे। तो अब मैंने उस पिन को 50 से आगे बढ़ाकर 60 सेंटीमीटर पे कर दिया है। तो ऑब्वियसली अब पैरलेक्स की पोजीशन डिस्टर्ब हो गई है। तो अब इस लेंस को हम फिर से आगे पीछे डिस्प्लेस करके वो पोजीशन पाएंगे जब उस पिन की इमेज और इस पिन के बीच कोई पैरलेक्स नहीं रह जाए। आप इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें हम लेंस को मूव कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कि कैसे मैं अपने हेड को मूवमेंट देते हुए, हम इस पिन को आगे पीछे नहीं करेंगे, हम बस पिन को लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये पिन की टिप और इमेज की टिप ओवरलैप होती रहे और हमको वो पोजीशन पाने में सक्सेस मिले जबकि पैरलेक्स बिल्कुल नहीं है और पैरलेक्स बिल्कुल नहीं है। यानी ये सेकंड सेट ऑफ रीडिंग में लेंस की एक पोजीशन हो गई जबकि पैरलेक्स रिमूव है। और अब हम इस पोजीशन को नोट कर लेंगे। तो अब आप लोग इस पैरलेक्स रिमूवल की पोजीशन को एक बार खुद से भी क्रॉस चेक करो। दोनों पिन्स, एक पिन जो इन्वर्टेड पिन है और एक पिन जो हमारी ऑप्टिकल बेंच पे पिन है, एक इन्वर्टेड इमेज और दूसरी ऑप्टिकल बेंच की पिन, पैरलेक्स रिमूव है। और हम अब लेंस की पोजीशन नोट कर लेंगे। तो लेंस की ये पोजीशन है 12.5 सेंटीमीटर। तो 14.1 से ये लेंस पिन के पास आ गया है और अब ये 12.5 सेंटीमीटर पर है जबकि पैरलेक्स रिमूव है। अब फिर से हम ऑप्टिकल बेंच को इस तरीके से चेंज कर लेंगे कि हमको वो पिन अपनी तरफ दिखे। हम खुद भी उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन हमको हर बार उस पिन की तरफ जाना पड़ेगा जिस पिन के पास हमको पैरलेक्स रिमूव करना है। फिर से हम पैरलेक्स रिमूव करने के लिए लेंस को शिफ्ट कर रहे हैं।
और अब फिर से पैरलेक्स रिमूव हो गया है, इमेज पिन और इमेज दोनों एक साथ फील्ड ऑफ व्यू में चल रहे हैं, तो लेंस की ये दूसरी पोजीशन सेकंड सेट ऑफ रीडिंग में इसे हम नोट कर लेंगे। तो लेंस की दूसरी पोजीशन हमने नोट कर ली और अब हम इसी तरीके से हर बार इन दोनों पिन्स के बीच की डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर इंक्रीज करते हुए लेंस की दो पोजीशंस पर पैरलेक्स रिमूव करके दोनों पोजीशंस नोट करते जाएंगे और इस तरह से टोटल 6 रीडिंग्स लेनी है। ये एक्सपेरिमेंट 2010 और 15 में रिपीट हुआ था और डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है वो ये कि बच्चे दो लेंस की दो पोजीशंस पे जो डायग्राम में लेंस बने होते हैं उन्हें देखकर ये सोचते हैं कि दो लेंसेज हैं, लेंस एक ही रहता है लेकिन वो दो पिन्स के बीच में दो बार ऐसी पोजीशंस पर आता है जब पिन और दूसरी पिन की इमेज के बीच पैरलेक्स रिमूव होता है। तो अब हम लोग बचे हुए तीन सेट ऑफ रीडिंग्स लेकर अपनी टेबल पर चलते हैं और बचा हुआ कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है बेटा कि जैसे जैसे दोनों पिन्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे जो इमेज है वो फाइन होती जाती है, तो ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है हमें कि पीछे कोई और ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं हो जिसकी इमेज पिन की तरह ही बन रही हो। आप देख सकते हो कि पीछे जो इमेज है ना इन्वर्टेड वो बहुत पतली हो गई है। इस समय दोनों पिन्स के बीच की डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर है, तो और ज़्यादा डिस्टेंस पर नेक्स्ट सेट में ये पिन और भी पतली दिखेगी। तो ये है हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल और करेक्ट फॉर्म में ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना और उसके बाद उसमें ढंग से टेक्निकली करेक्ट ढंग से ऑब्जर्वेशंस को नोट करना वो बहुत ज़रूरी है कि हमें इस ऑब्जर्वेशन टेबल पर फुल मार्क्स मिले। तो देखो पोजीशन ऑफ पिन 1 सेंटीमीटर में, पोजीशन ऑफ पिन 2 इन सेंटीमीटर, फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस सेंटीमीटर, सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस सेंटीमीटर, ये यूनिट्स बहुत ज़रूरी हैं, इन पे मार्क डिडक्ट होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पिन्स ये एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे सेंटीमीटर में, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस डी सेंटीमीटर में, और एक्स स्क्वायर जो कैलकुलेट करना है एक उसका कॉलम है देखो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई इसकी यूनिट, इसके बाद डी का भी स्क्वायर कैलकुलेट करना है और फिर वाई कैलकुलेट करना है, इन तीनों की यूनिट। यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है तो यहाँ भी इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर्स में हो गई। अब हमने कैसे ऑब्जर्वेशन को लिखा है वो देखो, हमने फर्स्ट पिन को जीरो पे रखा था तो हम जीरो नहीं लिख रहे, 0.0 क्योंकि लीस्ट काउंट मीटर स्केल का 0.1 सेंटीमीटर है तो लीस्ट काउंट को कंसीडर करते हुए सारी रीडिंग लिखनी होती है, नहीं तो इसमें मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरी पिन है वो 60, 50, 60, 70, 80, 90 पर थी कॉरस्पॉन्डिंगली, तो देखो 50.0 डेसिमल के एक प्लेस तक ये सारी रीडिंग लिखी हुई है। इसके बाद पोजीशंस जो नोट की हैं हमने तो उस पर जो फर्स्ट पिन के पास की पोजीशन थी वो लेंस की फर्स्ट पोजीशन के लिए लिखी हुई है और जो सेकंड पिन के पास पोजीशन थी पैरलेक्स रिमूवल की वो लेंस की सेकंड पोजीशन के फॉर्म में लिखी है, तो ये ऑर्डर में दिखता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्स डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई कैलकुलेट करेंगे और ग्राफ को कैसे बनाएं कि पूरे मार्क्स मिले, तो ग्राफ लर्न करेंगे बनाना सीखेंगे।